और टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज डिटर्मिनेंट। ओके, मैं एक बात कहता हूँ, मैंने डिटर्मिनेंट क्यों शुरू किया, अभी तक मैट्रिक्स का कंप्लीट तो हुआ नहीं, क्योंकि इसके बाद मैट्रिक्स में जो है उसको पढ़ने के लिए डिटर्मिनेंट जानना बहुत ज़रूरी है। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट एक सिमिलरिटी ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इनक्रोसिन, डिटर्मिनेंट को वही तरह का रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का मैं फर्क दिखा डिफरेंस दिखाता हूँ। मैट्रिक्स रिप्रेजेंट लाइक दिस इज अ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट इज डिफाइंड लाइक दिस इज द डिफरेंस। एंड और भी डिफरेंस है बट ओके, धीरे धीरे आते हैं। इसको कहते हैं डेटा ए, मतलब डेट ए इज कॉल्ड लाइक डेट ए, डेट ए मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए। सो डिटरमिनेंट क्या होता है और डिटरमिनेंट ऑफ द सेकेंड ऑर्डर वो क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ द थर्ड ऑर्डर वो क्या होता है, कैसे आया है वो। सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट डिटरमिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, सो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए पहले मुझे दो इक्वेशन लेना पड़ेगा x का। धरता हूँ कि लेट ए वन एक्स प्लस बी वन इक्वल टू जीरो, दिस इज वन इक्वेशन एंड ए टू एक्स प्लस बी टू इक्वल टू जीरो, दिस इज अनदर इक्वेशन। सो द एलिमेंट्स आर दैट इज लाइक कॉन्स्टेंट एलिमेंट्स आर ए वन बी वन ए टू बी टू, हाउ वी रिप्रेजेंट द डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स। सो आई कुड टेल यू दैट। सो वाट फ्रॉम इक्वेशन वन व्हाट यू गेट, ए वन एक्स इक्वल्स टू माइनस बी वन, सो एक्स इक्वल टू व्हाट, माइनस बी वन बाई ए वन। ओके, एंड सिमिलरली ए टू एक्स व्हाट यू गेट, ए टू एक्स इक्वल टू माइनस बी टू एंड एक्स इक्वल्स टू माइनस बी टू बाई ए टू। ओके, सो फ्रॉम दिस टू इक्वेशन व्हाट यू गेट, पुटिंग दिस वैल्यू लाइक थ्री इन टू, देन व्हाट यू गेट, बी टू माइनस बी टू बाई ए टू इक्वल्स टू माइनस बी वन बाई ए वन। क्या क्या, पुट इक्वेशन थ्री इन दिस इज फोर इन फोर। ओके, देन माइनस माइनस कैंसिल बोथ साइड, सो बी टू बाई ए टू दैट्स इक्वल्स टू बी वन बाई ए वन। सो ए वन इंटू बी टू that's equals to a2 into b1, so cross multiplication, and then a1 b2 minus a2 b1 that is equals to 0. That is the this is the form of second order determinant. How we represent the second order determinant, like this is represent like a1 b1 a2 b2. Okay, so how from here to here come, that's like what, a1 b2, that is a1 b2. Okay, so a1 b2 and then coming a minus and then a2 b1, this is a2 b1 that is equals to 0. So how is this element multiply by b2 and this element multiply by b1, this is the determinant. Okay, let's try an example. If given a equal to 1, 2, 3, 4, oh sorry, that's determinant. So what is the determinant value of a? Okay, this is what the multiplication 4 into 1 and already minus is coming and then 3 into 2. So what, 4 minus 6, so minus 2. This is the determinant of this a. ओके, वन थिंग, डिटरमिनेंट को हम ए से नहीं डिफाइन करते, डिटरमिनेंट को हम डी और डेल से डिफाइन करते हैं। सो दिस इज नॉट ए, दिस इज डी और डेल, मतलब ए हम ले सकते हैं बट इन ऑर्डर टू द बुक। सो हियर टेल दैट डी इज द यूज फॉर डिटरमिनेंट एंड ए इज यूज फॉर मैट्रिक्स, बट ए हम ले सकते हैं, उसका कोई बात नहीं कि मैं ये नहीं ले सकता। So when the matrix is ordered 2, then
which I saw in the previous method, that's done. But if the determinant is coming from 3 cross 3, so then what we have to do? देखो तब कुछ भी नहीं करने का है, तब वो 3 3 × 3 डिटरमिनेंट को हमें 2 × 2 डिटरमिनेंट पे लाना होगा. कैसे लाना होगा वो दिखाता हूँ. सो ले द डिटरमिनेंट, मैंने कहा था उसको डेल सेप करने का. सो डिटरमिनेंट डेल एंड डिटरमिनेंट सिंबल दैट्स a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3. इस डिटरमिनेंट को कैसे मैं 2 × 2 से तोड़ता हूँ वो देख, ठीक है ना. तो सो पहले जो डेल है ना वो सिर्फ इस रो के लिए करता हूँ, ठीक है. इस रो के लिए डेल बनाता हूँ, उसको डेल 1 कह दूंगा. इस रो के लिए डेल, इस रो के लिए डेल बना के मैं जोड़ दूंगा, ठीक है. सो जब मैं इस रो के इस एलिमेंट के लिए मैं डेल निकल रहा हूँ, तब ये रो एंड ये कलम का कुछ एलिमेंट हम ले नहीं सकते. एंड और एक बात, जो हमें निकलना है उसको सिंबल भी चेंज करना पड़ेगा, जो सिंबल ऐसे ऐसे करना पड़ेगा. जब प्लस रहेगा उसके बाद माइनस है, तब प्लस रहेगा, प्लस है तो इसके बाद माइनस रहेगा, माइनस है तो इसके बाद प्लस आएगा, माइनस है इसके बाद प्लस. सो ये सिंबल भी इसी को चेंज करने के साथ साथ करना पड़ेगा. तो दिखाता हूँ, जब मैं इस एलिमेंट को लेता हूँ पहले a1, ठीक है, तब ये सिंबल काम पे आएगा. कैसे आएगा देखा, तब मैंने इसको तोड़ने के बाद ये रो ये कलम निकल जाएगा, तब एलिमेंट रहेगा क्या, b2 b3 c2 c3, दिस. सो मैंने तोड़ दिया, एंड अगेन व्हेन दिस एलिमेंट कम बैक देन व्हाट वी डू, दैट इज b1. सो देन व्हाट सिंबल इज कमिंग, माइनस, माइनस इज कम बैक, इसके पहले प्लस कोई जरूरत नहीं, माइनस एंड कमिंग बैक b1. देन व्हाट, सो b1, सो b1 को लेकर दिस रो एंड b1 दिस कलम, ये दो निकल जाएगा और जो एलिमेंट पड़े रहेगा उसी को बैठा देंगे, ठीक है. सो a2 c2 a3 c3 a2 c2 a3 c3. एंड जब इस एलिमेंट के बारी आएगा तब इन सिमिलर वे प्लस आ जाएगा, c1 आ जाएगा यहाँ पे, एंड एलिमेंट्स ए रो एंड ए कलम निकल जाएगा, सिर्फ a2 b2 a3 b3 रह जाएगा, a2 b2 a3 b3. सो ये पहले रो के लिए डेल निकाल दिया, दूसरे रो के लिए डेल भी वैसे ही निकालना पड़ेगा, तब पहले आएगा नेगेटिव माइनस, सो माइनस a2 एंड देन ए रो एंड ए कलम जाएगा, क्योंकि ये एलिमेंट जहाँ पे रहेगा उसके सीधा ए रो ए कलम निकल जाएगा, तब आएगा क्या a b1 c1 b3 c3. एंड अगेन पॉजिटिव. यहाँ पे एक चीज हम मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि इस डिटरमिनेंट से मैंने ये जो निकाला ये है फर्स्ट रो के लिए निकाला, एंड ये जो डिटरमिनेंट है ये सेकेंड रो के लिए निकाला, बट जो अल्टीमेट रिजल्ट आएगा वो इसमें जो भी आएगा इसमें वही रिजल्ट आएगा, एक एलिमेंट a1 b2 c3, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस. सो a1 b2 c3 वन एलिमेंट, एंड इसका एलिमेंट क्या है b2 a1 c3, दैट इज a1 b2 c3. सो कोई भी एक रो को आप चॉइस कर सकते हो जिसमें से रिजल्ट निकाल सकते हो. एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है. गिवन दैट डेल इक्वल्स टू 1 3 5, एक चीज ध्यान रखना होगा वो प्लस माइनस सिंबल, क्योंकि वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. 2 4 3 4 6 7. सो इसको मैंने जब एक कितने ऑर्डर के हैं 3 × 3 की डिटरमिनेंट है, इसको मैंने मुझे पहले तोड़ना होगा 2 × 2. मैंने इस रो के लिए ही निकाल देता हूँ, ठीक है. सभी को सेम होगा, पर रोक के बदले में आप चाहो तो कलम से भी निकल सकते हो, वो भी सही होगा, कोई बात नहीं. लेते हो 1 1, देन व्हाट, सो एंड ये चीज भी यही चीज है जिसको बार बार गलती होती है सबकी. सो फर्स्ट क्या है प्लस 1 इंटू एलिमेंट का नहीं बच्चे है 4 3 6 7, इसके बाद क्या है माइनस, क्या है 3
ए रो, एक राउंड निकल गया, ड्रा पहुँच गया, 2 3 4 7, उसको क्या है प्लस क्या है 5, एलिमेंट क्या है 2 4 4 6। आप तो जानते ही हो क्योंकि ये डिटरमिनेंट 2+2 है, तो इसको कैसे तोड़ना होगा, 1 × 7 × 4 मतलब ऐसे मल्टीप्लिकेशन माइनस दिस मल्टीप्लिकेशन, 4 7 28 माइनस 18 माइनस 3 × 2 14 माइनस 12 प्लस 5 ×, सो जी 10 माइनस 14 माइनस 12 2 2 3 6, 12 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 20 20 माइनस 16, दिस इज द रिजल्ट। ओके, मैं इस रो को लेके दिखाया, ठीक है, एक कॉलम लेकर दिखाता हूँ, एक कॉलम लेता हूँ, एक कॉलम लेता हूँ, तो ये रिजल्ट आती है कि नहीं, ठीक है। सो पहले वो है वो 3, ठीक है ना, 3। जब मैंने ये ले लिया तब क्या क्या बचे हैं, 2 3 4 7, 2 3 4 7, ये कौन सी एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, एंड देन क्या है प्लस, प्लस कितने हैं 4 है। जब मैं 4 लेती हूँ कौन कौन सी पड़ी रहेगी, ये चला गया, ये चला गया, 1 5 4 7, उसके बाद क्या है नेगेटिव, क्या है माइनस 6, कौन कौन सी एलिमेंट पड़ी रहेगी, 1 5 2 3, 1 5 2 3, इसको एलाबरेट करने से क्या मिलेगा, माइनस 3 7 2 14 माइनस, ओके प्लस 4 मल्टीप्लाई 7 माइनस 20 माइनस 6 3 माइनस 10, तो व्हाट, 2 माइनस 3 माइनस 6 20 चलो चलिए माइनस 52 3 माइनस 7 माइनस माइनस प्लस 42, सो 42 52, 10 और 6 माइनस 16, ये रिजल्ट वो रिजल्ट किया ना। सो आप कोई भी रो ले लो और कोई भी कॉलम ले लो, उसका डिटरमिनेंट सेम ही आएगा, आप सही करोगे, गलती कर दिया तो क्या काम से, वो सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने कहा था आप लोगों को, ठीक है।